दुष्यंत जी, देश में जो सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग विपक्ष के खिलाफ किया जाता है, तो इस पे अदालत क्यों संज्ञान नहीं लेती? देखिए, अदालत अदालत तब सक्षम बन सकती है कि आप देखिए, जैसे आपने चिदंबरम जी का उल्लेख किया था, चिदंबरम जी को इन एंटीसिपेटरी बेल मिलना उनका हक था, कॉन्स्टिट्यूशनल हक था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने जजमेंट दिया है बहुत साल पहले, सीनियर चीफ जस्टिस चंद्रचूड की बेंच थी, जिन्होंने बोला कि ये जो पावर है अरेस्ट करने का, ये पावर बार बार इस देश में मिसयूज किया जाता है और लोगों की प्रतिष्ठा परमानेंटली डैमेज की जा सकती है उसमें, और लोगों का जो फ्रीडम है उसको हम छीन सकते हैं, क्योंकि पुलिस को लोग दुरुपयोग कर सकते हैं सत्ता का, और लोगों को उसके कारण लोगों को आप हैरेस कर सकते हैं। फिर भी यही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मैटर हियर उसी आफ्टरनून को लेने से इनकार कर दिया। यही चीफ जस्टिस गोगोई ने मना कर दिया, और यही जज जस्टिस रमणा जो अभी चीफ जस्टिस बने हैं उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। उसका कारण क्या हुआ कि चिदंबरम जी की अरेस्ट हो गई, एक बार अरेस्ट हो गए तो एंटीसिपेटरी बेल कोई माने नहीं रखता है, और उनको बहुत सारे महीने जेल में रहना पड़ा और तब सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया। तो ये एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है। हर एक केस में आज सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, और दुख की बात यह है कि ये जो अफसर कांग्रेस के दौरान अपॉइंट किए गए हैं, यही अफसर अपना फर्ज भूल करके, चूक करके अब अपनी सत्ता को ऐसे मिसयूज कर रहे हैं कि जिसका कोई हक नहीं, जिसका कोई हद नहीं। और हर एक ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ तरह, अब जैसे वेस्ट बंगाल में आपने देखा टीएमसी के तरह सामने तरह तरह के केसेस किए गए, जनता ने उसका ठोस जवाब दिया और बीजेपी को एकदम भगा दिया वहां से। 217 सीट देकर ममता को उन्होंने बोला कि आप ममता को हैरेस कर रहे हैं, हमें ये पसंद नहीं है। तो ये इनको अफसरों को समझना चाहिए कि भाई आज तो एक पार्टी पावर में है, कल दूसरी पार्टी होगी, हम इस पार्टी के हत्थे नहीं बन सकते हैं किसी को हैरेस करने के लिए। हर दूसरे दिन अब वो बंबई के पुलिस कमिश्नर ने कुछ पिटीशन फाइल कर दी, बंबई हाईकोर्ट ने कोई अजीब सा ऑर्डर दे दिया और उसके खिलाफ तरह तरह के ऑर्डर्स। अब ऐसे एक पुलिस ऑफिसर, वो कमिश्नर था तो उसने क्या एक्शन लिया था मुझे बताइए? जब वो कमिश्नर थे तब उन्होंने कोई एक्शन लिया क्या किसी को अरेस्ट करने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए? अब उसको जब ट्रांसफर हो गई तब वो बताते हैं और हाई कोर्ट वो एक्सेप्ट कर लेता है, सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ पिटीशन डिसमिस कर देता है। मैं तो समझ नहीं पाता हूँ इस देश को हो क्या गया है, कोई सोच क्यों नहीं रहा है, कोई डीप क्यों नहीं जा रहा है हर एक केस में कि ये सब सत्ता दुरुपयोग हो रहा है ताकि अपने विरोधियों के सामने कुछ एक्शन ले सके। सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। अब मैं कुछ प्रश्न दर्शकों के लेना चाह रहा हूं। जी, एक चीज मैं जरूर बता दूं, मैं करप्शन के एकदम खिलाफ हूं और मैं जरूर मानता हूं कि अगर कोई भी इंडिविजुअल करप्शन में इन्वॉल्व है, चाहे एक पार्टी कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या टीएमसी का हो या कोई भी पार्टी का हो, मैं उसके एकदम खिलाफ हूं, उसके सामने एक्शन लेनी चाहिए। बट ये सिलेक्टिव एक्शन, जैसे आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आदमी करप्ट नहीं है, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगी, वो मैं मानने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई सेलेक्टिविज्म नहीं होना चाहिए, करप्शन कोई भी करे। अब आप देखिए, चाहे जहां देवेंद्र फडणवीस के बारे में अभी देख लीजिए जब इंजेक्शंस के ऊपर मुद्दा आया, गौतम गंभीर को देख लीजिए जब उन्होंने दवाइयां स्टोर करी, जब हमारे दिल्ली में दंगे हुए तो आप कपिल मिश्रा को देख लीजिए किस तरह से उन्होंने भड़काने का काम किया, लेकिन सारे कुछ हो गए, केस फाइल हो गए, लेकिन कपिल मिश्रा का वहां से नाम नदारद है। तो ये सब जो चीजें आपने कही बिल्कुल सटीक कही है। सिद्धार्थ जैन जी पूछ रहे हैं कि दुष्यंत जी, व्हाट आर द स्टेप्स टू इनिशिएट हैंडओवर द कंट्री एंड जुडिशरी टू सेंसिबल पीपल? नहीं, देश को तो देने का सवाल नहीं उठता है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो स्टेट की सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस कर सकती है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार फेल होती है तो उसके लिए कोई उपाय दिया नहीं गया है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स मानते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी फेल नहीं हो सकती है।
उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा सिचुएशन आएगा जो आज हम फेस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट खाली कोविड का जो मैनेजमेंट है वो अपने हाथ में ले सकता है और सेंसिबल लोगों को दे सकता है, ताकि कोविड में जो आज एक एक जबरदस्त चैलेंज है, मैं तो आपको कहता हूं कि आज कुछ नहीं है, अगले जो महीने आ रहे हैं 2-4-5-6 महीने उसमें इतनी खराबी होने वाली है देश में कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और लोग इतने सफर कर रहे हैं, आज आज एक घर ऐसा नहीं होगा हिंदुस्तान में एक्सेप्ट दी मिनिस्टर्स एंड यू नो दोज हु आर फॉर्चुनेट, जिनके घर में थोड़ी भी मन की शांति होगी। हर एक आदमी डर से जी रहा है कि मुझे कब कोरोना लगेगा, मेरे परिवार को कब लगेगा, उन क्या होगा, हम मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे। ये जो है माहौल, इस माहौल को दूर करने के लिए जरूरत इफेक्टिव स्टेप्स जो कि लोगों के दिल में एक तरह की भावना क्रिएट कर सके, लोगों को रीअश्योर कर सके कि हाँ हमारी सरकार ऐसी है जो एक ठोस कदम। आज गांव गांव में फैल गया है, गांवों में से जो हमारे स्टाफ है वो बता रहे हैं कि गांव में से जो स्थिति है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आज गंगा में सैकड़ों डेड बॉडीज मिली है बिहार और यूपी में, क्या दिखाता है, ये एक एनार्की का इंडिकेशन है, क्योंकि लोगों को वो नहीं रही है श्रद्धा कि अगर मैं कहीं उसको क्रेमेटोरियम में तो जगह है नहीं, मैं कहीं जलाने जाऊंगा गांव में तो लोग जलाने नहीं देंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं उसको गंगा में बहा दूं ताकि एटलीस्ट गंगा में स्नान मरने के बाद उनको मोक्ष मिलेगा। ये स्थिति जो हो गई है, ये स्थिति हमारी कल्पना के बाहर है। और ये तो कुछ नहीं है, आज डॉक्टरों पर अटैक हो रहे हैं, अस्पतालों में नर्सिस पर अटैक हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं रही है। आज ज्यादातर आज हर एक कोविड सेंटर में आपको पुलिस क्यों लगानी पड़ रही है, क्योंकि व्यवस्था नहीं रही है। तो इस व्यवस्था को आपको लेने के लिए कुछ करना होगा, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को अपने पास पावर्स लेकर उन्होंने कोई कमेटी अच्छी करके सबका साथ लेकर और राजकारणियों को दूर रख के, इंक्लूडिंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको दूर रख के सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़ना।